हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में पकड़ा 3000 किलो मिलावटी मिर्ची मसाला, 2 लाख रुपए कीमत की है मिर्ची, गोदाम को किया सीज। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर की ओर से मिलावट की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा टीम ने एक गोदाम पर दबिश देकर 3000 किलो मिलावटी मिर्ची मसाला जब्त किया है, साथ ही गोदाम को सीज कर दिया गया है। जब्त मिर्ची मसाले की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि मिलावट की शिकायत के आधार पर खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा माता का थान स्थित बाबा रामदेव नगर में मदन लाल भील उर्फ पिंटू के घर पर दबिश देकर बेनाम 3000 किलोग्राम मिर्ची जब्त की गई। उसके सैंपल लेकर जांच के लिए फूड लेबोरेटरी भेजे हैं, साथ ही अग्रिम कार्रवाई तक उक्त गोदाम को सील कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा ने बताया कि दबिश के दौरान प्रथम दृष्टया मिर्ची मामले में कलवर व अन्य मिलावटी पदार्थ होने के सबूत मिले हैं। इसकी फर्म भी पंजीकृत नहीं है। कच्ची बस्ती में खुद के घर में ही पिंटू कार्य करता है। ये मिलावटी मिर्ची मसाला उन फेरी वाले लोगों को बेचा जा रहा था जो गाँव व गली गली जाकर लोगों को सस्ते दामों में बेचते हैं। ये मिलावटखोरी का काम अपने ही घर में किया जा रहा था। घर कच्ची बस्ती की तंग गलियों में स्थित है ताकि विभागीय नजरों से बच सके। आज चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल के द्वारा जो है बासनी तंबोलिया माता का थान नवमेद स्कूल के नजदीक जो है एक घर के अंदर दबिश देकर कार्रवाई की गई, जिसके अंदर मिर्च पाउडर के नमूने लिए गए और मिलावट के संदेह पर 3000 किलो मिर्च पाउडर को जब्त किया गया है। और उक्त जो है कारखाना पिंटू उस मदन लाल बिल के द्वारा जो है संचालित किया जा रहा था। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।